बोल नंद बाबा की जय, बोल कृष्ण बलराम की जय, बोल राधा रानी की जय। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी फूड एंड ट्रेवल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम आपको लेके आए हैं 84 खंबा गोकुल, जहाँ पे भगवान की लीलाओं और नंद भवन है। ये भगवान का घर नंद भवन है। मथुरा में भगवान का प्रकट हुए, इसमें उनके पिता वसुदेव भगवान को इसी रास्ते से लाए थे, यही भगवान को छुपाया और युग माया से लेकर ये स्थान है भगवान का घर नंद भवन। यहाँ इसके अंदर 84 खंभे हैं जो भगवान के समय के प्राचीन हैं, जो लगभग 6,500 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि देखिए दोस्तों 84 खंभा, जैसे कि दोस्तों हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 84 खंभे जो आज तक कभी किसी भी कोई भी बंदा आके यहाँ पे गिन नहीं पाए कि कितने खंभे हैं कितने नहीं है। ये भगवान की मान्यता है यहाँ पे कि कोई गिन ही नहीं पाता दोस्तों। तो चलिए चैनल गेट से आगे चलते हैं। आप सामने देख सकते हैं दोस्तों खंभे जो हैं ये खंडित है। ये मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने उस समय पर ये खंडित कर दिए थे। ये भगवान श्री कृष्ण की बाल रासलीलाओं का वर्णन इसमें चित्रण किया गया था, उन्होंने खंडित कर दिए गए थे ये खंभों। आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्राचीन है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये खंभा दोस्तों जिसके ऊपर वो चढ़ रहा है, आप देख सकते हैं ये ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से 4 लाए हुए थे। ये सामने हमारे आप देख सकते हैं, ऊपर हमारे नंद बाबा हैं गोरे गोरे और गोरी गोरी यशोदा हैं, और नीचे पाला में झूल रहे हमारे श्री कृष्ण हैं, और सामने भक्त लोग बैठे हुए हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए बैठे हुए हैं। आज चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये यहाँ एक पारस पीपल का झाड़ है जो आप सामने देख रहे हैं। भगवान जब गौ चराने जाते थे और लौट के आते थे तो थकान होने के कारण वह विश्राम करते थे। आज भी कार्तिक मास में यहाँ 5 रंग का फूल आते हैं और मनोकामना के लिए इस वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, जिससे कि अपने मन की जो भी इच्छाएँ वो पूर्ण हो जाए। और यहाँ पे अपना मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पे मेरा अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपकी बहुत ही कृपा होगी, धन्यवाद। यहाँ पर मान्यता भी है कि यहाँ पे पूरी भी होती है दोस्तों। तो चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे ही दोस्तों देखिए अभी यहाँ पे शिव जी बैठे हैं, इसकी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ दोस्तों कि क्या हुआ था। जैसे ही भगवान यहाँ पे आए हुए थे तो तुरंत सभी देवी देवताओं को मालूम पड़ गया कि भगवान यहाँ आए हुए हैं। तो सभी देवी देवताओं ने अपना वेश बदलकर दर्शन हेतु के लिए सब इंद्रलोक से आए छोड़कर अपना, और ब्रह्मा ब्रह्मलोक छोड़कर आए दर्शन करने के लिए हेतु, और शिव जी अपना पर्वत छोड़ के आए दर्शन करने हेतु। तुरंत यशोदा मैया ने उन्हें रोका कि हम तुरंत दर्शन नहीं करने देंगे। तो दोस्तों यशोदा तभी शिव जी यहाँ 3 दिन और 3 रात तपस्या करने के लिए बैठ गए कि मुझे दर्शन चाहिए। उन्होंने कहा देखी री एक बाला जोगी द्वार हमारे आया है, अंग भभूत बगल मृगशाला गले शेख नाग लिपटाया है, ले भिक्षा मर्ग रानी मोती ने थाल सजाया है, लहरी भिक्षा जोगी तेन मेरा सो तो लाल जवाया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से शिव जी को फिर दर्शन दिए उन्होंने। नंद बाबा यशोदा जब 84 कोर की परिक्रमा करने के लिए उन्होंने मन बनाया तो वो चले में असमर्थ थे। तो भगवान जी ने विश्वकर्मा से कहकर यहीं 84 खंभों की स्थापना करवाई तथा उनकी परिक्रमा खंभों की करने के समान ही 84 कोस की परिक्रमा मानी जाती है। यहाँ ब्रह्मा जी के 4 खंभे स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक से लाए हुए थे, सतयुग द्वापर युग कलयुग। चलिए धन्यवाद।